राकेश जी, आज दोपहर को आप जब जेल से बाहर निकले तभी आप काफी रश में थे। आपने मैंने वीडियो देखा आपका, वो आज दोपहर का काफी रश में थे और काफी टेंस लग रहे थे आप दोपहर को। हाँ, मैं पुलिस स्टेशन गई थी। आदिल ने बहुत गलत एक मेरे लिए बयान दिया था, बहुत गंदा। जाके मैडम को मिली मैं, मैं इस पे तो विश्वास करती नहीं हूँ। मैं ये कुरान की फिर से झूठी कसम खा लेगा। बहुत गंदा मेरे लिए बयान दिया, बहुत गंदा, जो एक औरत कभी नहीं सोच सकती है, बहुत गंदा। मैं बोली झूठ बोलो तो ढंग का तो बोलो यार। फिर मैडम ने उसको फोन पूछा, तभी बोला नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, बहुत गंदा बोला, पता है ना, बहुत गंदा मेरे लिए बोला। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे लिए ऐसा गंदा बोले। मेरे पे दाग लगे, मैं अपने पे दाग कभी नहीं लगा के लूंगी। हाँ नहीं, उसने ऐसा बोला कि अथर रोड जेल में एक एक बंदा मिला था, उसने कुछ मेरे लिए गंदा बोल दिया। तो मैंने उधर, अगर तू पति था, मेरे को प्यार करता, तो फटके देने चाहिए था ना उसको। बोलते फिर मैडम ने उसको पूछा, बाद में डिनाई किया। सच ही नहीं होगा तो डिनाई तो करना ही है, और डिनाई करना तो पुरानी आदत है। ये अंदर बैठा है फिर भी हेकड़ी नहीं जा रही है इसकी। दाग पे दाग, दाग कितने दाग दोगे मुझे? कुछ नाम लिया? सारी जिंदगी कब्र में जाते जाते मतलब इतने दाग दे दिए कि मिटा नहीं पाऊंगी। आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? पुलिस ने कुछ आपकी बातचीत की आज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरी बातचीत नहीं, वो डायरेक्ट उनसे बात कर, हमको मिलने का मौका नहीं देते और मैं ना ही मुझे मिलना है। हाँ, उनको कुछ कपड़े या कुछ भी जरूरत है, बीवी तो हूँ ही ना मैं, कपड़े या किसी भी चीज़ की जरूरत है हम प्रोवाइड करेंगे, बट शायद वो मुझसे नहीं ले रहे, वो पति चोर से ले रहे। क्यों ऐसा लगता है? नहीं, कपड़े चेंज हो रहे हैं ना, इतने बैग भर के कपड़े आए हैं। नहीं, मैंने देखा ना, क्या आपको लगता है उस दिन कल मैं मिलने गई थी तो बैग भर के कपड़े थे वहाँ, तो कौन लाके दिया? यहाँ पे तो उनका कोई भी नहीं है। मैसूर से क्या क्या कुछ खबर आ रही है? मैसूर जाने वाला है केस, और आप भी मैसूर जाने वाले हो, इसको लेके क्या? हाँ, मैं मैसूर जाऊंगी, मैं मैसूर जाऊंगी, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरा ससुराल है डेफिनेटली मैसूर। आदिल का ये ससुराल है, तो आदिल अभी ससुराल में है। हाँ, आदिल के घर वाले ने कुछ आपको कॉल करने की इस दौरान कोशिश की, या फिर आपने उनको कॉल करने की कोशिश की? मैंने एक बार उनको कॉल किया था, उनके डैड को उन्होंने काट दिया, बात नहीं की। काट दिया? मैं मैसूर जाऊंगी तो उनके घर जाने वाली हूँ, एक बार जाऊं तो सही, जाना भी चाहिए आपको। मैं कैसा है घर, क्या है, मैं तो कभी, आदिल तो मुझे कभी लेकर नहीं गए, अब तो मैं घुस जाऊंगी। हाँ, ससुराल है भाई मेरा, इसके पहले कोई और घुस जाए मैं घुस जाऊंगी जाके, क्या बोलती हो? मेरा पति मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं खुद ही घुसूंगी। हाय हाय, जो प्यार उभर रहा था, वैसे हेकड़ी उसकी गई नहीं, पहले उससे देख रहा था गुस्से, कोर्ट में भी गुस्से से देख रहा था, फिर मुझे ही देखे जा रहा था, मैंने नहीं देखा हालांकि, क्योंकि अंदर मुझे दर्द है ना, एंड बहुत ही प्यार से देख रहे थे, आई लव यू बोला और ऐसा किया मैंने, मैंने घर में कभी नहीं किया भाई, आई लव यू बुलवाने के लिए, ऐसा करने के लिए पुलिस थाने जाना पड़ा भाई। वो सब झूठ है, वो सब झूठ है, अभी सब निकलेगा, ऐसा ऐसा सब निकलेगा, सब यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, सब झूठ है, वो सब नाटक है उसका, मैं जानती हूँ, 8 महीने मैंने गुजारे हैं। राखी, मैं जानना चाहूंगा जिस तरह इन्होंने अभी जिक्र किया कि कल आपकी मुलाकात हुई, क्या उनके कोई करीब भी उस कोर्ट में थे जो आपसे संपर्क करने की कोशिश की, उनके उन्होंने कोई मैसेज पहुंचाया रहेगा, आदिल ने उनको कहा रहेगा कोई? उसको ऐसा लगता है कि मैं बार बार रिक्वेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बुलाऊंगा, कोर्ट में सबूत पेश करूंगा, तो भैया मुझे पहले 100 कॉल आए हैं मिलने के लिए, मैं भी कोर्ट में पेश करूंगा।
कानून तो अभी रोज कोर्ट कचहरी जाके मैं लॉयर बन गई हूँ, अभी खुद ही केस, दिल काला कोट पहनूंगी, खुद का केस खुद ही लड़ूंगी, दिल कर रहा है अभी मुझे। हाँ ऐसा कर रहा है तो ये दुनिया में सिर्फ सबूत चाहिए होते हैं, और ज़रूरी नहीं जिसके पास सबूत नहीं होता कि वो बेकसूर नहीं होता, खुदा है ना सबूत पैदा कर देता है कहीं से भी। पूरा फुल सेटिंग कर रहे हैं आदमी, फुल जोर लगा रहे, हाथ पैर मार रहे, लेकिन देखिए एक बार मैं भी जिंदगी में ना, मैं इंसान हूँ, मैं मिट्टी हूँ, उनको खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने कल भी बोला नमाज पढ़ना जुम्मे की, 5 टाइम नमाज पढ़ो, खुदा से माफ़ी मांगो, मुझसे नहीं, मैं तो कोर्ट में हुई हूँ, ऊपर वाले ने माफ़ कर दिया ना तो सब ठीक हो जाएगा।